क्या है वो? गाजर। गाजर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैरेट है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, हम सब मस्त हैं और घर का सारा काम हो चुका है। भाभी छोटू को दूध पिला रही है और रोने लग गया था, सोया था, फिर रो गया। तो अभी भी गई अंदर और भैया गए किसी काम से बाहर और रोहित पापा गए हैं ड्यूटी। और आज हम बना रहे स्पेशल चीज़ जो कि है गाजर का हलवा। तो गाजर लेके आए थे, दो केजी लेके आए थे कल। फिलहाल इतना ही बनाएंगे और मम्मी कद्दूकस कर दिए उनको। उसके बाद हम दूध लाएंगे। जैसे जैसे भाभी बनाएगी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। कौन है? आराम से खाओ। कौन है? बड़े मामा। तो भैया भी आ चुके हैं बाहर से। शादी के बाद तो मेरे लिए सबसे पहले चले देखेगी, अच्छी बननी चाहिए। दूध है बाबू के लिए, दूध वही रखो। तो गाइस, बेबी के लिए ना दूध नहीं हो रहा है माँ का, तो लैक्टोजेल वाले लेके आए हैं। पहले लाए थे तो ये लेके आए भैया अभी। और बोतल दिखा भाजी, दिखा। और प्लास्टिक की बोतल तो है बट वो सही नहीं रहता प्लास्टिक बच्चों के लिए, बच्चे वो बड़े वो प्लास्टिक मतलब सही नहीं रहता बच्चों के लिए वैसे तो। और स्टील का लेके आया अभी अभी ये वाला, तो मैं दिखाती हूँ खोल के। नहीं निकाल ऐसे। किसके लिए ये? मेरे तो पिएगी इसे दूध। ठीक है, लगी घर में सब चिंता। आप देख सकते हो मम्मी ने पूरा गाजर जितने भी थे 2 केजी तो कद्दूकस कर लिए हैं, परात धर लिया है। तो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया है और हम हलवा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि भाभी ने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट सारे चॉप कर लिए हैं और थोड़े से अखरोट भी छिलके, अभी छिलके यहीं पे हैं, बाकी इसमें रख लिए सारे प्लेट में मिक्स कर रखे हैं। और अब मैं पिघला रही हूँ मावा, खोया भी बोल सकते हैं। तो मैं लेके आई थी 1 पाव, तो 1 पाव ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ये बचा लिया है और थोड़ा ये मैं पिघला रही हूँ क्योंकि ये भून के ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये कढ़ाई पे भी चिपक रहा है क्योंकि जो ये कढ़ाई है ना तो ये नीचे से बहुत पतला है तो चिपक जाता है इसमें, तो उस टाइम ध्यान नहीं आया था तो इसी को रख लिया था। बट कोई बात नहीं, मैं हिलाती रहूँगी ना इसलिए जलेगा नहीं ज़्यादा ऐसे। और गाजर और दूध पक रहा है यहाँ पे, जो कि अब बन के होने वाला है रेडी बस कुछ ही देर में, बाकी थोड़ा बहुत हो ही चुका है। खा ले। तो गाइस, गाजर का हलवा बन के हो गया है रेडी। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, वैसे ही खाने में भी टेस्टी लग रहा है, जैसे दिख रहा है अच्छा सा वैसे ही टेस्टी भी हो रहा है। तो मैंने अपने लिए निकाल रखा है, अभी गरम गरम हो रखा है, तो गरम गरम ना अच्छा लगता है। तो इसमें बना रखा है ये, इसमें ना हमने घी का छौंक भी लगा रखा है तो टेस्टी बहुत अच्छा लग रहा है उसका घी का। और इसमें ये तो खुल भी नहीं रहा, बट इसमें ना थोड़ा सा वैसे ही घी नहीं डाल रखा है, वैसे ही छौंक रखा है, वैसे ही मतलब चीनी वगैरह ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं भाई के लिए, क्योंकि मेरे भाई को घी पसंद नहीं है, घी की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसे। मैं दिखाती हूँ इसे। तो गाइस, इसमें बना रखा है भाई के लिए, इसमें घी नहीं लगा रखा है हमने घी का छौंक, तो ऐसे ही चीनी वगैरह डाल के ड्राई फ्रूट डाल के, तो इस वाले में बना रखा है भाई के लिए, अपने लिए इसमें, और मैंने अपने लिए निकाल रखा है, मैं खाऊंगी। तो गाइस, आप सब भी आ जाओ हलवा खाने के लिए।
और भाभी भी खा रहे हैं हलवा, और मेरा भाई ना भंगुल खा रहा है भंगुल रोहित भी मूवी देख के नैनो ले गाजर का हलवा खाओ। वाह क्यों क्यों नहीं लगता पसंद? खा ले थोड़ा टेस्ट कर, बहुत अच्छा हो रहा है अम्मी। थोड़ा टेस्ट तो कर पहले, मत खाओ फिर। तो ये नहीं खाती है ऐसे कुछ भी चीज, बस मिठाई खाएगी मीठे में। और हमारा डुग्गू दादी के साथ खेल रहा है, अभी सोया है, मम्मी उसे उठा रही है, शायद उसने टॉयलेट कर लिया था तो चेंज वगैरह कर रही है मम्मी। हैं अच्छा छुनछुना बजा रही है। हाँ नहीं वो नहीं दे दूंगी मैं, अभी पहले ये खाना पड़ेगा फिर ले माँ।